सभी को IMT परिवार की ओर से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं निष्ठा शर्मा, आप सबका स्वागत है IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन सन 1961 में मुंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI की स्थापना दिनांक 2 अक्टूबर 1961 को ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन तथा वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन का समा मेलन कर हुई थी। कंपनी की अधिकृत पूंजी 450 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 282.30 करोड़ रुपए थी। 18 सितंबर 1992 को कंपनी का दर्जा प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी को भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न का खिताब दिया। कंपनी की 80.12% शेयर पूंजी सरकार के पास है, जबकि शेष पूंजी वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक और अन्य निकायों, अनिवासी भारतीयों, कॉरपोरेट निकायों आदि के पास है। आज के दिन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रारंभिक काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबंध था, परंतु बाद में इसका महत्व तथा व्यापक कार्य क्षेत्र को देखते हुए इसे एक नव निर्मित मंत्रालय सामुदायिक विकास मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया। वर्तमान समय में यह योजना कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। वास्तव में सामुदायिक विकास योजना का संगठन तथा संचालन केंद्र स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभाजित है। आज के दिन 1869 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। मोहनदास करमचंद गांधी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था। इस आश्रम से महात्मा गांधी आजीवन जुड़े रहे, इसलिए उन्हें साबरमती के संत की उपाधि भी मिली। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गांधी जी ने कई अहिंसक आंदोलन भी चलाए। आज के दिन 1904 में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के शासन काल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। लाल बहादुर शास्त्री लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 2 अक्टूबर दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि विवेक। मेष, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। निजी जीवन में मधुरता आएगी। धार्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। आपकी सभी आवश्यक जरूरतें पूरी होने वाली हैं। कार्यों के सरलता से पूर्ण होने के योग है। अनुकूलताएं बने रहने के योग है। शुभ रंग नारंगी व धानी तथा निषेध रंग हरा व काला। वृष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 67%। करियर में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। करियर में लाभ के योग है। पराक्रम व साहस में वृद्धि होगी। समय आपके लिए अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशेवर को प्रशंसा प्राप्त होगी। शुभ समय व्यतीत होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। मिथुन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी भी बीमारी के प्रभाव में आने पर आपको सीख चिकित्सा उपचार लेने चाहिए। प्रेम जीवन सुकून भरा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। कर्क, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39%। आप चाहे तो कार्य क्षेत्र में नई राह बना सकते हैं। कुछ कमी का अनुभव हो सकता है। समय आपके अनुकूल नहीं है। काम का बोझ अधिक है। जिम्मेदारी को सहजता से निभाएं। मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सफेद नारंगी। सिंह, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59%। निराशाजनक स्थिति उत्पन्न होगी।
कार्यालय में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, किसी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, नए नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, अपनी सूझबूझ से कार्यों को आगे बढ़ाएं। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग है, शुभ रंग लाल हरा तथा निषेध रंग काला नीला। कन्या, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%, न केवल आपके काम बनेंगे बल्कि अच्छी आमदनी होने के भी योग है। करियर में आपकी स्थिति सामान्य से कहीं बेहतर रहने वाली है, सफलता के योग है, निजी जीवन सुखी रहेगा। भाग्य का पूर्ण संयोग प्राप्ति के योग है, शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। तुला, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76%, दूसरों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, मन दुविधा में रहने के कारण निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरते, जोखिमपूर्ण कार्यों से बचे। अनुकूलता बने रहने के योग है, शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 57%, यात्रा मनोरंजक रहेगी, नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। विवाद से बचे, निवेश यात्रा व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे, प्रसन्नता रहेगी। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, शुभ रंग नारंगी धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51%, किसी योजना को लेकर आपके अपने बॉस से भिन्न धारणा हो सकती है। आपको अपने मन का करने का मौका मिलने वाला है, सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने का प्रयास रहेगा। संतान के प्रति चिंतित हो सकते हैं, घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग है, शुभ रंग बसंती धानी तथा निषेध रंग काला जामुनी। मकर, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74%, आर्थिक विषयों की योजना बनेगी, चिंता और तनाव कम होंगे, जीवन साथी के संग समय व्यतीत करेंगे, व्यवसायियों को व्यापार विस्तार के अवसर आएंगे, शुभ फल प्राप्ति के योग है, शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग पीला लाल। कुंभ, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75%, लंबित काम संपन्न होंगे, आपके सचेत रहने के प्रवृत्ति आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, विलासी जीवन का खर्च बढ़ेगा, जोश के साथ काम करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, अनुकूलता बने रहने के योग है, शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला बसंती। मीन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%, आपका नियोजन प्रोफेशन परिवार के लोगों से जुड़ी हो सकती है, संपत्ति से संबंधित मामलों में परेशानी हो सकती है, नए कपड़ों की खरीदारी करेंगे, व्यापार के लिए अच्छा समय चल रहा है, माता पिता से संबंधित चिंता रह सकती है, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग है, शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12:22 से 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी से 0121266888 तथा 0983700600046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।